गाइज, वैसे तो लोग अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेकर अन्य देशों में घूमने जाते हैं ताकि तरोताजा महसूस कर सके, लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां अगर आप घूमने गए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। जी हां गाइज, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। आप नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ गाइडेड ट्रिप पर ही जा सकते हैं, यानी कि हर समय आपके साथ एक गाइड जरूर होना चाहिए। वहां पर ना ही तो कोई वाईफाई है, ना ही कोई सोशल मीडिया है, ना ही किसी तरह का रिलीजन है, और ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन। वहाँ के लोग टीवी में बस नॉर्थ कोरिया को प्रेज करने वाले प्रोग्राम भी देख सकते हैं और कोरियन आर्मी से जुड़े त्योहार ही मना सकते हैं। देश छोड़ने से पहले वहाँ की आर्मी आपका फोन पूरी तरीके से चेक करती है ताकि आप कुछ ऐसा शूट ना कर लो जो कि उनके खिलाफ हो। ओवरऑल नॉर्थ कोरिया एक ओपन एयर प्रिजन है। गाइस, क्या आप फिर भी नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने फिर से अपना सनकीपन दिखाते हुए 14 साल के एक बच्चे को सिर्फ एक फिल्म देखने के कारण 14 साल की जेल की सजा सुना दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये बच्चा साउथ कोरियन मिस्ट्री ड्रामा फिल्म द अंकल देख रहा था और उसने ये फिल्म सिर्फ 5 मिनट ही देखी थी कि उत्तर कोरिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की बड़ी वजह ये भी है कि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए साउथ कोरिया की हर एक चीज को तानाशाह किम जोंग ने अपने देश में बैन कर रखा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि तानाशाह का ये संकीपन कहाँ जाकर रुकेगा?